छोटा उदयपुर जिला के खजूरिया गांव में आदिवासी समाज द्वारा पारंपरिक रूप से अपने जुवानिया इंद का पर्व मनाया गया। छोटा उदयपुर जिला के आदिवासी विस्तार वैसे खजूरिया गांव में आदिवासी समाज द्वारा परंपरा के मुताबिक हर 5 साल के बाद मनाए जाते वैसे जुवारिया इंद का पर्व मनाया गया। आदिवासी संस्कृति तथा परंपरा वैसे भातीगर संस्कृति तथा भारत की एक अनोखी पहचान बनी है। आज भी गुजरात सहित देश भर में बसते वैसे आदिवासी समाज के लोग ये भातीगर सालों पुरानी परंपरा संस्कृति को निभाते आ रहे है। जहाँ गुजरात के सरहदी आदिवासी बाहुल्य धारित वैसे छोटा उदयपुर जिला के खजूरिया गाँव में हर 5 साल के बाद एक बार 10 दिनों के लिए गामसाई जुवारिया इंद का पर्व मनाया जाता है, जो ये पर्व के तहत बाबा पिठोरा, बाबा देव, इंद्र देव से लेकर गोमदेव, भैंस देव, गोदरियो देव सहित के तमाम देव को सांप के लकड़े से बनाए गए वैसे पुराने प्रतीक को बदलने के साथ नए देव की स्थापना की जाती है। 10 दिनों तक ये पर्व को मनाया जाता है। तो वही 10 दिनों पहले बोए गए वैसे जुवार सहित अन्य 7 जितने धान्य को खुटने के बाद उसका रोपण किया जाता है। तमाम मनोकामना पूर्ण होने के साथ आदिवासी विधि विधान के मुताबिक पूजा अर्चना करता है। यही परंपरा को निभाते हुए आज आदिवासी पोशाक में सज होने के साथ ढोल नगाड़ों के बीच आज उनके द्वारा अपने जुवारिया इंद का पर्व मनाया गया था। हमारा गाम ने अंदर जे जुवारिया इंद करवामां आवे छे, ए अमे प्रकृति पूजक रीते ने अमे जाळवी राखेली अमारी प्रकृति पूजक ने परंपरा थी रीत रिवाज अमारा बाप दादा से करता आवे छे ने, एना माटे ने अमने अमारे आदिवासी हित माटे नो एक अमारा बाबा देव ने पूजन करीए छे। अमारे कूड देवी धरती माड़ी ने करीने पूजिए छे अने अमारे बाबा देव नो इंद करीए छे। ए इंदराज कहेवाय, एटले इंदराज में अमारे बाबो इंद जुवारी इंद करीए, एमां इंद कलम नी डाळ रोपवामां आवे अने ए डाळ रोपवामां आवे ते 8 डाळो कलम नी रोपवामां आवे, એ ઇન્દ્રાજને રોપવાની આવે અને એક કળાની ડાળ રોપાવે એ હોળિયા ઇન્દ્રાજ કહેવાય। એ માટેને અમે પ્રકૃતિ પૂજકને રીત રિવાજ પ્રમાણે અમે આને પૂજક પ્રકૃતિની ઉજવણી કરીએ છીએ। મારું નામ રાઠવા નગીનભાઈ બળગાભાઈ। આજરોજ ખજુરિયા ગામે બાબાદેવ એનો ઇંદ ઉજવવામાં આવે છે। આજુબાજુથી સમગ્ર આદિવાસી સમાજ एकत्रित થઈને એને હર્ષ ઉલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે। આદિવાસીઓને એટલી બધી ખુશી હોય છે કે આ અમારો એક બાબાદેવ અને જે પ્રકૃતિ પૂજક અમારો જે સમાજ છે એ હર્ષ ઉલ્લાસ ભેગો થઈને એને સેલિબ્રેટ કરે છે। આજરોજ આજુબાજુના તમામ ગામવાસીઓ હર્ષ ઉલ્લાસ એકતાનો એક પ્રતીક સમાન આજે એક આદિવાસી સમાજને જે પ્રકૃતિ પૂજક છે એને હર્ષ ઉલ્લાસથી સમગ્ર લોકો નાચગાન અને આદિવાસી પરંપરા મુજબ આદિવાસીનો પોશાક ધારણ કરીને સમગ્ર એકતાનું પ્રતીક સમાન આજે અમે ખજુરિયા ગામે આજુબાજુના એક બાબાદેવ ઇંદની સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ। જય આદિવાસી રાઠવા નવીનભાઈ આય।